लास्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज नाउ. अभी नाउ वी आर स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर्स काउंटिंग इन ग्रुप्स. काउंटिंग इन ग्रुप्स मींस ग्रुप में कितने कितने हैं. मानो कि तुम्हारे क्लास में योर क्लास इज हैव 30 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? 30. तो तुम्हें फॉर एग्जांपल 5 के ग्रुप बनाने हैं. कितने बनाने हैं? 5 के ग्रुप बनाने. एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट होने चाहिए. तो कितने ग्रुप होते हैं? तो वो तुम्हें फॉर एग्जांपल यहां 5 लिखे तो 5, दूसरे 5 स्टूडेंट्स, तीसरे 5 स्टूडेंट्स और चौथे 5 स्टूडेंट्स. तो अभी कितने स्टूडेंट्स हुए? 5 एंड 5 10 10 एंड 5 15 15 एंड 5 20 एंड 30 हुए ना. तो नाउ मेक नेक्स्ट ग्रुप मींस 5 and also make next group is 5. How many total students? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 group and total 30 students. Means how many groups? Groups kitne hai tumhare account? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 group hai. How many students in each group? Students in each group कितने हैं? एक group में how many students? 5. कितने हैं? 5. 6 group है और each group has how many students? 5 students. And how many total students? Total कितने थे हमारे पास? 30 स्टूडेंट्स थे. तो यहां तुम लिख सकते हो 30. मिस वैसी मेथड से तुमने हमने लास्ट ईयर पढ़ा था टेबल. टेबल में तुमने पढ़ा हुआ था ऐसा होगा कि 6 5 जा 30 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30. वैसे भी लिख सकते हो वैसे भी 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30. हमें ग्रुप बनाना है. व्हाट वी आर मेकिंग ग्रुप. तो ग्रुप कैसे बना सकते हो? 30 डिवाइड बाय 5 स्टूडेंट्स है तो हाउ मेनी मेक अ ग्रुप? 6. तो इसके लिए वी आर लर्न सम थिंग्स. फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड दिस इज हाउ टू मेक अ ग्रुप. तो ग्रुप मींस एडिशन एंड आल्सो डिवाइड. बोथ मेथड इज वेरी यूजफुल हियर बट वी आर यूज द टेबल एंड मेक अ ग्रुप. टेबल हम पहले 5 का टेबल तुमने लास्ट में पढ़ा था 1 टू 5. लेकिन हम 5 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 बंदा 4 4 टू जा 8 4 थ्री जा 11 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 is 28 4 8 is 32 or 4 9 is 36 and 4 10 is 40. उसी तरह टेबल है. Now you understand. Next. अभी तुमने now you last that his product यहाँ 4 8 10 और 16 20 24 28 32 36 and 40. This is a product and product is our question. For example, how many groups we are making? 36 students in a group means for example तुम्हारे क्लास में 36 स्टूडेंट है. कितने स्टूडेंट है? 36 स्टूडेंट को तुम मतलब और उनको सबको 4 का ग्रुप बनाना है. कितना ग्रुप बनाना है? 4 का. ये टोटल स्टूडेंट्स हैं और ये ग्रुप में स्टूडेंट है. एक वन ग्रुप में ईच ग्रुप में हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 4. तो 36 और टेबल 4 बोले हैं. तो कितने बनेंगे ग्रुप? तो यहां नंबर ऑफ ए ग्रुप इन ईच ग्रुप हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप?
फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप, तो तुम्हें यहां दिखा देगा होगा टेबल एरिया में ये लाइन देखो बेटा, तो फॉर 9:36 ये लाइन ले सकते हो। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है 36 टोटल स्टूडेंट है और वन ग्रुप में हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉर है, तो यहां तुम्हें इतना दिखा जाता है वैसे वो पैटर्न वहां है फॉर 9:36। तो अभी तुम यू आर अंडरस्टैंड हियर 36 टोटल स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप हैज फोर स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी मेक अ ग्रुप, 9 इज योर आंसर, 9 क्या है योर आंसर है। उसी तरह से तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहां दिया गया है सेकंड चैप्टर में, और वहीं से देखो तो पेज नंबर 9 पे तुम्हें देखता है कप दिए गए, कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स, तो तुम्हें यहां कप काउंट करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 9 ओपन करके देखो बेटा, तो वहां फर्स्ट का सबसे पहले ऊपर टॉप पर 1 and 2, 3, 3 and 3, 6, 6 and 4, 10 हाउ मेनी टोटल कप्स, 4 है। सिर्फ गेजिंग करना होता है तो हम कितने भी बोल सकते हैं, लेकिन काउंटिंग करके स्पीक करेंगे तो वैसे राइट आंसर मिलेगा। सेकंड में पिक्चर दिया है वो शूज का है, वो देखो तो कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज, कितनी पेयर है, कितने शूज बने, हाउ मेनी पेयर, मींस टू शूज मेक अ वन पेयर, तो यहां तुम समझ सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेयर है। और कहां तुम्हें यहां समझ सकते हो कि ये ग्रुप में दिए हैं, क्या दिया है ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में 3 पेयर है, सेकंड ग्रुप में भी 3 पेयर है और थर्ड ग्रुप में भी 3 पेयर है, तो यहां 3, 3, 6 and 9 के एडिशन मेथड से हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन मेथड से काउंट करें तो 3, 3 9 यही मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए वी हैव नीडेड टू दैट टेबल। उसके बाद यहां कब दिए गए हैं, तो कब जो दिए हैं वो कितने हैं, 10 कप्स हैं, तो 10 के हम ग्रुप कौन कौन से बना सकते हो, तो एक तो 1 बना सकते हैं, 1 का 1 लगता तो 1 10 10 होकर वही बन सकता है, दूसरा 2 5 10 मींस एक ग्रुप में 2 रखकर 5 ग्रुप बना सकते हो, और तीसरा 5 रखकर 2 बना सकते हो ग्रुप, मींस उसी तरह से उसकी मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ये समझ सकेंगे कि एक वन ग्रुप में कितने 10 वाले जो मेथड है उसमें इतने ही हो सकते हैं, 10 कप्स है तो उसकी पैटर्न में अकेले अकेले ग्रुप में एक ही स्टूडेंट, तो दूसरे ग्रुप में दूसरा, तीसरे ग्रुप में तीसरा, वैसे यहाँ कप है तो उसी तरह से ही बना सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड स्टेप 1 सेकंड 1, ईच ग्रुप हैज 2 स्टूडेंट्स, वन ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स है, तो हाउ मेनी मेक अ ग्रुप, 5 और 10 है और एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट, तो हाउ मेनी मेक अ ग्रुप, 2 ग्रुप्स। उसी तरह आई राइट सम क्वेश्चंस टू सॉल्व योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आगे देखिए, तो हम यहां मैंने डिवाइड कर दिए है 3 पार्ट्स में, तो पहले लिखा है टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स ईच इन ग्रुप्स, मींस यहां कितनी पॉसिबिलिटी है, तो हमने अभी लिखा है टेबल नंबर 4 की पॉसिबिलिटी काउंट करने के, तो उसमें लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल्स 24, यहां मैंने 24 लिखे हैं, 24 लिखा है, तो नंबर ऑफ ग्रुप हमें एक ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप बनाने, ओनली वन ग्रुप, तो उसमें कितने स्टूडेंट होंगे, तो 24, तो समझ लो कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आंसर होना चाहिए, तो 24 बनता है 24, ईच ग्रुप में हम 2 रखते हैं, तो 24 डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ ग्रुप 2 है, तो ईच ग्रुप में कितने नंबर्स हो गए, 10, एक में कितने हो गए, 10, 3 लगाते हैं तो 3 का टेबल स्पीक करो तुम, और बोलो 3 8 24, तो यहां आएगा ईच ग्रुप में 8 हो गए, नंबर ऑफ 4 लगाते हैं तो कितना होगा, 4 6 24, और एज ग्रुप में हाई रखते तो रिमाइंडर आ जाता है, इसलिए वो 5 बचा देते हैं, क्योंकि काउंटिंग ग्रुप इक्वल होने चाहिए, एंड हाउ मेनी लेफ्ट तो हम काउंट कर सकते हैं, और 6 करते हैं तो 6 4
फॉर द कंट्री फॉर अमीना फॉर इसके अभी उसके उल्टे पूछे ए नंबर ऑफ एट ग्रुप करते हैं तो कितना होगा एट का उल्टा 3। अभी 10 ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप कितने ग्रुप बनेंगे 2 ग्रुप बनेंगे इस ग्रुप में 2 हो गए और 24 तो वैसे ऐसे करते तुम 1 ग्रुप में 1 डाल सकते हो। इसी मेथड से ये तुम्हारा एक 1 मेथड था और उसी मेथड से तुम 32 36 40 उसमें जो ये जो लाइक ग्रुप बना सकते हो। तो यहां तुम्हें फॉर का टेबल अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है और थिंग्स को ग्रुप में काउंटिंग करने का सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ एक एक्टिविटी बता देता हूँ। तुम्हारे जो बुक से या तुम्हारे घर पे जो बटन जो शब्द के बटन जो होते हैं वो होते हैं वो पेन होती है वो या स्मॉल थिंग्स में वो पेबल्स होते हैं वो या अदर्स में मार्बल भी ले सकते हो तुम लखोटी बोलते हो ना वो भी ले सकते हो। सारी लखोटी इकट्ठा करो और सबके इक्वल इक्वल ग्रुप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ मैंने यहाँ 24 लिया है तुम 28 भी ले सकते हो 28 लिख कर नाउ यू मेक अ ग्रुप तो 28 उसका एक ग्रुप रखो। पहले तुमने सारे कलेक्शन की है व्हेन यू आर कलेक्शन ऑल द मार्बल्स दे आर मेक अ वन ग्रुप और देयर होगा 28 एंड टू ग्रुप बनाओगे तो कितने होते हैं तो 14 दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करो एक उधर रखो एक उधर को उसी तरह से तुम बना सकते हो। थर्ड लिस्ट उसके बाद 3 के टेबल में 22 नहीं आते 3 से डिवाइड करो 3 ग्रुप में इक्वल इक्वल 1 2 3 वैसे ले सकते हो। तो मैंने पहले बताया था उसी तरह से एक यहां एक यहां एक वहां 28 रखते तो यहाँ से जो मिस होता है तो वो नहीं आते जो लैप होते तो वो इक्वल ग्रुप होते नहीं है। फॉर से करो तो फॉर 7 का 28 फॉर ये कितने हो गए 7 ग्रुप हो गए और वहां दिया गया इसीलिए आप टेबल के जरिए तुम्हें ये सीखना है। तुम्हें नेक्स्ट थिंग बता दो बेटा स्टूडेंट्स हमने अभी वो लिया था 24 तो अभी स्टार्ट करते हैं 32 के 32 में टोटल नंबर है 32 और उसको ग्रुप में डिवाइड करने हैं तो हम पहले एक सब साथ में थे तो उसका एक ही ग्रुप बनता है और एक ग्रुप है तो ईच ग्रुप में कितने हो गए 32 के 32। अभी हमें 32 के 2 पार्ट्स बनाने हैं कितने बनाने हैं 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तुमने ऐसे मेथड से भी काउंट कर सकते हो 32 है और इसे दो ग्रुप बना दो ए और बी 1 इसमें रखो 1 इसमें रखो 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें उसी तरह से तुम काउंट कर सकते हो तो 3 4 और 5 नंबर आए 5 तो 10 में वैसे 32 तक काउंट करके वैसे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हो या पेपर से या मार्बल से यूज करके भी बना सकते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वन 2 है तो 16 हो गए कितने हो गए उसका हाफ कर देना है। 3 से बनाते हैं हम तो 3 का टेबल तुम्हें पता है कि 3 के टेबल में 32 नहीं आते। 4 का टेबल है तो 4 के टेबल में तो यहां तुम्हारे सामने दिया हुआ है वो और a is 32। अभी 5 और 6 के टेबल में भी नहीं है 7 के टेबल में भी 32 नहीं है तो उसके रिजल्ट मींस उल्टा हो जाएगा तो यू आर अंडरस्टैंड तो 8 है तो ग्रुप कितने हो गए 4 और 16 है तो ग्रुप कितने हो गए 2 मींस ईच ग्रुप में 2 हो गए और 32 का तो तुम्हें पता ही है कि वहां का एक ही ग्रुप बनता है। नंबर ऑफ ग्रुप है यहाँ पे और इस ग्रुप में कितनी थिंग्स आती है वो यहाँ पे है तो तुम्हें पता है कि एक ही ग्रुप है 32 का तो एक पूरे 32 हो गए। 2 ग्रुप बनाएंगे 32 के एक तो 1 ग्रुप में कितने हो गए 16। 4 ग्रुप बनाएंगे तो एक 1 ग्रुप में 8। 8 ग्रुप बनाएंगे तो 4 होंगे इस ग्रुप में एंड 16 ग्रुप यू मेक देन आई 1 ग्रुप इन 2 मेंबर्स एंड 32 ग्रुप बनाओगे तो 1 टीम में 1 होगा। तो फॉर एग्जांपल तुमने कई बार कबड्डी खेलते हो ना तो कबड्डी के हम दो टीम बनाते हैं तो दोनों टीम में इक्वल इक्वल स्टूडेंट रखते हो तो वो तुम्हारा क्या है ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रुप काउंटिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो तुमने अभी देखा तो हमने ग्रुप बनाए थे 32 के वैसे यहाँ पे दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे देखो तो यहाँ लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स ट्राई टू गेज द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग्स। तो फर्स्ट यू सी हियर यहाँ ये डैश ग्लासेस यहाँ डैश डेंगल्स पेयर ऑफ इयर रिंग्स वैसे यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए तो तुम्हें यहाँ देखते हो डैश ग्लासेस तो हाउ मेनी ग्लासेस देयर आर देयर 3 3 3 ओके कितने ग्रुप है 4 है तो तुम यहां समझ सकते हो कि ग्लास के
थ्री ग्लास है फॉर ग्रुप है, तो थ्री फॉर जा क्या होता है 12, तो ये तुम्हारे टोटल ग्लासेस कितने हुए हैं 12, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज योर 12 ग्लासेस। नेक्स्ट ये है बेंगल्स, तो बेंगल्स हाउ मेनी बेंगल्स इन ईच ग्रुप, तो पहले देखते तो 1, 2, 3, 4 and 5 हो गया, हाउ मेनी बेंगल्स इन ईच ग्रुप 5, उसके बाद यहां दिया है कि हाउ मेनी ग्रुप्स, तो 1, 1, 2, 3, 4 and 5, तो यहां हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है हाई वाइज 25, तो 25 एंगल्स, 25 एंगल्स इन द थर्ड सेकंड क्वेश्चन आंसर। अभी दिया है पेयर ऑफ इयररिंग, तो ये पिक्चर भी तुम्हें दिखाई दे क्या होगा इयररिंग पे, ये कुछ वो भी तुम्हें पता होगा कि हमारे टू ईयर हैं, सारे इयररिंग टू ग्रुप में ही आती है, दोनों सेम ही होती है, तो यहां दिखा देती है, तो कितने इयररिंग है इस ग्रुप में 2 है, मल्टीप्लाई कितने ग्रुप टोटल, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर हियर, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन यू काउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ग्रुप है, तो तुम्हें यही मल्टीप्लाई करना है 12 2 जा, तो 12 का टेबल तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें समझ में आ गया कि होमवर्क में पहले सीखे थे, तो अभी 12 2 जा 24, अगर टेबल नहीं समझ में आता ऐसे पिक्चर लिया तो टोटल एरिंग कितनी है वो भी काउंट कर सकते हो, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, वैसे भी काउंट करके तुम यहां लिख सकते हो। वैसे यहां कुछ स्पून दी गई है, देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ स्पून, स्पून के थ्री ग्रुप्स दिए 1 2 एंड 3, तो यहां पे जो है वो ग्रुप्स में तुम देख सकते हो, तो हाउ मेनी स्पून इन ईच ग्रुप, तो फर्स्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब में 8 स्पून है, कितने हैं 8 है, एंड हाउ मेनी ग्रुप्स 3 ग्रुप्स, तो यहां आंसर 3 pizza या 8 pizza, बहुत हर सेम आंसर, तो 8 pizza and 4 spoons कौन से सकते हो, यहां देखा है फर्स्ट में हम देखते हो हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, तो स्पून ईच ग्रुप में कितने हैं 8 है, हाउ मेनी स्पूंस इन ईच ग्रुप 8, सेकंड क्वेश्चन गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून, हमने तो काउंटिंग कर दिया है गेसिंग करने की नो नीड, देयर आर 24 स्पूंस इन ईच ग्रुप, नाउ यू लर्न माय डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 and 10, next phase we are learn on next time and next period. Okay, thank you. Hello friends, in last lecture we are learned the ascending order, now in this lecture we are learned to the descending order, how to learn the descending order, we are learned the ascending order in this type step, you have heard that as step 1 this time. Now you write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we are on go up. That time means 1 se lekar 8 tak hum jate upar ki or. So we are say that ascending order. Ascending order, and when we come back, हम पर से नीचे की ओर आते, that time we call it one, that descending order, जब हम यहाँ से इसी तरीके से नीचे की ओर आएंगे, तो वहाँ हम कहेंगे descending order. Means 1 to 8 means ascending order, and ulta here repeat 8 to 1 means upar se niche ki or aate hain, to we call it 1,
descending order. Now we will learn some examples here. For examples, number 1, 61, 45, 82, 96, 86. You are understands descending order. Descending order means you are learned that down up to down means big to small, big to too small. So in the which is the biggest number in it? So your biggest number is 96. You write here 96. Now again you same way. This is the biggest number in three numbers, 61, 45, 82. So your answer is 82. Again, there are both numbers, 61 and 45. Which is the biggest number in 8? 61. And last number is 45. This time you arrange, it is called descending order. Means big, small, small and subse small. उसे कहते हैं descending order भी call it. Now second example we understand. 37, 88, 45, 54. Now again you say me, which is that biggest number in it? Your answer is descending order में सबसे पहले कौन सी नंबर आती है? We write the first biggest number 88. Now again 37, 45 and 54. Which is the biggest number in three numbers? 54. And again both 37 and 45. Which is the big number in it? The 45. Again, last left number is 37. It is the smallest number in these numbers. Now, some examples you are right at your home. I write here. That one, first is 90. 29, 34, only 8, and next 2, 64, 46, 98, and 89. Three, 38, 83, 99, and 19. Descending. Now, my dear students, you write in a notebook and solve by yourself. Yes, your work is finished now. I solve it. These numbers. First, descending order means which is the biggest number in it? So first 19, 29 and 34. The first 34 is biggest number. Next, which is the biggest number in 19, 29 and 8? 29, good. And 19 and 8, which is the biggest number? 19. And 8 is smallest number. Now you check in your notebook. 34 is first, 29, 19 and 8. This type order is answer is right. Jiska order isi tarah se hai, wo right answer hai. It is called the descending order. Again, which is the biggest number in 8? Means 64, 46, 98 and 89. So your answer is 98. Next, 64, 46 and 89. Which is the biggest number in 8?
Pick these ones. Now, fourth number is here. Which is the biggest number? 64 or 46? 64. Your answer is right. And last is 46. Now, check in your notebook yourself. First, 98, 89, 64, 46. This set order, his sum is right. Answer is right. In these sums you say 38, 83, 99 and 90, 19. This is the 99. Which is the biggest number in it? 99. Now 38, 83 and 90, which is the biggest number in it? 90. Next, 83 and 38, which is the biggest number in it? You give me answers. 83. Next and last left is 38. This type order we call that one descending order. And now you write in your notebook.